नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनाहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। अगर आप जा रहे हैं उत्तराखंड की सैर पर तो जरा रहिएगा सावधान, क्योंकि टारगेट पर टूरिस्ट। जी हां, टारगेट पर टूरिस्ट। अभी जो भी अल्फाज आपने सुने उसकी तस्दीक जरूर होगी जब एनकाउंटर की पहली खबर से आप वाबस्ता होंगे। हमने तो बस आपको आगाह करने के लिए खबर दिखाने की ठानी है, ताकि जब भी आप छुट्टी मनाने के लिए उत्तराखंड की तरफ रुख करें तो सतर्क और सावधान रहे, क्योंकि आपका ध्यान भटकने से ही सारा माजरा किरकिरा हो जाएगा और आप सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड पुलिस का स्लोगन है सेवा, मित्रता, सुरक्षा। लेकिन उत्तराखंड पुलिस का यह स्लोगन सिर्फ थानों के बोर्ड, दीवार और कागज तक सीमित है। सच्चाई से इस स्लोगन का कोई वास्ता नहीं, क्योंकि इसमें से एक पर भी उत्तराखंड पुलिस खरी नहीं उतरी। और हमारी इस बात पर मोहर देहरादून की कोतवाली डोईवाला के बाहर बदहवास खड़ा ये परिवार लगाएगा जब आप इनकी जुबानी सुनेंगे। ये कौन है, कहां से आए हैं, इनके साथ क्या हुआ है और अब ये क्या चाहते हैं? दो गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। हम आए हैं दिल्ली से और यहाँ लच्छी वाले का पता चला और यहाँ पर आए हैं। और आते ही हम जब नहाने के लिए जब गए, गाड़ी जब आए देखे तो हमारे गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और दोनों गाड़ियों से सामान निकल गया। एक गाड़ी जो है उसमें से सामान निकला है, लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, पहने हुए जो हमारे कपड़े थे जो हमने बैग में रखा था वो भी निकाल के ले गए। और दूसरी गाड़ी में भी सेम कुछ इसी किस्म के सामान निकाल के ले गए। वो जो जिम्मेदारी वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं, हम करते हैं। मैं कह रेंजर को बुलाओ। जी हाँ, दिल्ली के बाशिंदे टूरिस्ट कमल शर्मा 18 जून 2015 की सुबह दिल्ली से दो गाड़ियां लेकर अपने परिवार के साथ उत्तराखंड के मसूरी घूमने के लिए निकले। लेकिन जब देहरादून में दस्तक दी तो पर्यटक स्थल लच्छीवाला रुक गए। टूरिस्ट कमल शर्मा ने लच्छीवाला पार्क के भीतर अपनी दोनों गाड़ियां पार्क की तो वन विभाग ने पार्किंग के नाम पर 30 रुपए की पर्ची काटी। यानी साफ था कि जब पर्यटक स्थल लच्छीवाला पर पार्किंग के नाम पर पर्ची काटी गई तो टूरिस्ट के वाहन की सुरक्षा भी पुख्ता थी। टूरिस्ट परिवार निश्चित होकर पार्क के अंदर घूमने फिरने चल दिया, लेकिन जब लौट कर आया तो होश फाख्ता हो गए, पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दोनों गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे। गाड़ियों के शीशे तोड़कर भीतर रखा सामान, लैपटॉप, कैमरा और कई कीमती सामान, कपड़ों से भरे बैग, सब के सब गायब थे। पीड़ित टूरिस्ट परिवार हलकान रह गया और जब लच्छीवाला स्टाफ से बात करने की कोशिश की तो किसी ने एक भी नहीं सुनी। कभी कहते हैं जी वो नैनीताल है, कभी कहते हैं जी वो मीटिंग में है, कभी कहते हैं जी आज देहरादून कोर्ट में है। माने उनके बयान सारे अलग अलग है, मतलब बयान एक है ही नहीं, वो उनको सेव कर रहे हैं। मैं कहा बुलाओ, हम उनसे अभी बात करते हैं, पर वो बात ही नहीं। और मैंने उनको बोला जो आप गेट में जो पैसा ले रहे हैं, पार्किंग शुल्क ले रहे हैं, वो किस बात का शुल्क ले रहे हैं? आप अगर कार का ले रहे हैं, कार का अगर आप ले रहे हैं तो कार का शीशा कैसे टूटा? लिहाजा पीड़ित टूरिस्ट परिवार सीधा कोतवाली डोईवाला पुलिस की चौखट पर पहुंचा। सारी आप बीती सुनाई। दोपहर के 2 बजे से शाम के 7 बज गए, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने पीड़ित टूरिस्ट परिवार की गुहार पर गंभीरता से गौर नहीं किया। मगर जब समाचार प्लस का कैमरा खुला तो कोतवाली डोईवाला पुलिस जाग गई और लच्छीवाला स्टाफ को थाने बुलाकर पूछताछ की। पीड़ित टूरिस्ट परिवार को आश्वासन दिया सामान जल्द मिल जाएगा। यही लगभग 2-2.5 बजे से हम यहाँ पे हैं और जैसे हमने देखा गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है वहाँ दारोगा, उसने हमें कितना हमारा टाइम वेस्ट किया, कभी कह रहे सामान मिल जाएगा, कभी कह रहे हम जिम्मेदार नहीं है। फिर हम यहाँ पे आए, कह रहे जी पहला केस हुआ है, हमारे सामने कितनी कंप्लेंट आई है, वहाँ झगड़ा भी हो रहा है, कोई शराब पी के कोई गुंडागर्दी हो रही है, इनको भी पता है हमारे सामने कितनी कंप्लेंट हुई है और अब मुकर रहे हैं।
ये लोग तो बोल रहे हैं अभी इन्होंने भेजा, अभी हमें रिसीविंग तो नहीं मिली है, लेकिन ये कह रहे हैं हम उनको बुलाने के लिए भेजा है, जो ऑन ड्यूटी जो वहाँ पे सिक्योरिटी थे। अभी रिसीविंग नहीं हुई हमारी। सुना आपने, दिल्ली से उत्तराखंड छुट्टी बिताने आया टूरिस्ट परिवार लुट गया, पार्किंग के भीतर गाड़ी खड़ी की, बाकायदा पार्किंग के नाम पर 30 रुपए की पर्ची भी काटी गई, लेकिन फिर भी टूरिस्ट की गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान चोरी कर लिया गया। कहाँ था लच्छी वाला स्टाफ और कहाँ थी सेवा मित्रता सुरक्षा का दम्भ भरने वाली उत्तराखंड पुलिस। पीड़ित टूरिस्ट परिवार को आगे मसूरी जाना था, लेकिन पीड़ित टूरिस्ट परिवार मायूस होकर दिल्ली वापस लौट आया, मगर उत्तराखंड आकर वो जिस बुरे दौर से गुजरा उसने उत्तराखंड के टूरिज्म सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया कि अगर टूरिस्ट ही टारगेट पर हैं, तो फिर कोई कैसे हिम्मत करेगा देवभूमि उत्तराखंड आने की। सुदीप जैन, देहरादून, समाचार प्लस। सोचिए क्या होता है जब कोई अपना अजीज आंखों से दूर चला जाता है। राजधानी लखनऊ की उस बेटी की तड़प सुनकर यकीन मानिए कलेजा आपका भी रोएगा जब उसके चुभते सवालों का कोई हल नहीं मिलेगा, क्योंकि उस बेटी पर अपने बाप की मौत का सदमा हावी है, लेकिन उसके जुबान पर सिर्फ एक ही सुलगता सवाल है, क्या मारोगे मेरे पापा के कातिल को। मारोगे मेरे पापा के कातिल को, मारोगे मेरे पापा के कातिल को, बोलो मारोगे उसको नहीं मारोगे, बोलो मारोगे नहीं मारोगे। मेरे बाप ने मुझे गन चलानी सिखाई है, मेरे बाप ने मुझे गन चलाना सिखाया है, मैं मार दूंगी उसको इतना याद रखना, मैं मार दूंगी उसको इतना याद रखना। इतनी बेबसी, इतनी बदहवासी, इतना बदला, इतनी नफरत, इंतकाम की आंच से सुलगता हर एक अल्फाज एक बारगी सुनकर और देखकर किसी का भी कलेजा सिहर उठे। पत्रकारों से मुखातिब अपनी मातमी आवाज से रूबरू होती ये लड़की रुचि है, जिसके जहन का जर्रा जर्रा रो रहा है, आंखों में अश्क है तो दिल में इंतकाम की चिंगारी आग में तब्दील हो चुकी है। हसरत एकमात्र यही है कि बाप के कातिल बेनकाब है, लेकिन गुस्सा इतना है कि आज रुचि अपने पिता राज बहादुर यादव की मौत का बदला लेने पर आतुर है। मारोगे मेरे पापा के कातिल को, बोलो मारोगे नहीं मारोगे, मेरे बाप ने मुझे गन चलाना सिखाया है, मैं मार दूंगी उसको इतना याद रखना, और उस छब्बन को पकड़ के लाओ मेरे सामने। मेरे घर कभी नहीं आता था, 3 दिन पहले मेरे घर आया, मेरे बाप से इंक्वायरी करने के लिए क्या क्या चल रहा है, उसको पकड़ के लाओ, अगर नहीं मारा तो मैं मार दूंगी उसको, मैं मार दूंगी इतना याद रखना। राजधानी लखनऊ के थाना कृष्णा नगर से सटे रुस्तम बिहार के दयालपुरी में रहने वाले पेशे से प्रॉपर्टी डीलर राज बहादुर यादव को एक सोची समझी साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। जमीनी कारोबार से जुड़े प्रॉपर्टी डीलर राज बहादुर के लिए नए लोगों से मेल मिलाप रखना कोई यदा कदा की बात नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत थी। इसी कड़ी में कुछ दिनों पहले प्रॉपर्टी कारोबारी राज बहादुर की मुलाकात छप्पन नाम के शख्स से हुई, लेकिन यही मुलाकात किसी जमीनी लेन देन को लेकर आगे बढ़ी तो 18 जून की दोपहर खूनी शक्ल में तब्दील हो गई। सुबह मैंने अपने पापा को नाश्ता खिलाया, नाश्ता खा के वो मेरे घर से गए, अब वो पापा मेरे बुला रहे हैं, मैं पापा को वहां बदला। निकल काम कर रहे ना नगर निगम का भरवारे तालाब, उनको पकड़ो पहले जाकर, वो मुझे नहीं पता, लेकिन छब्बन का फोन आया था मेरे पापा के फोन पे, छब्बन का फोन आया था, फोन अरेस्ट करिए, मेरे पापा के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाओ, कॉल डिटेल निकलवाओ मेरे पापा के नंबर की।
बेटी रुचि की माने तो प्रॉपर्टी कारोबारी पिता राज बहादुर किसी जमीन के सिलसिले में छप्पन के बुलावे पर घर से निकले थे, सो अपने स्कूटर से रवाना हो गए। बेटी रुचि ने अपने हाथों पिता राज बहादुर का नाश्ता करा के रुखसत किया था, मगर पिता राज बहादुर ने मौत की वो आहट नहीं महसूस की जिसको घात लगाए अपराधियों ने अंजाम दिया। प्लॉट दिखाने जा रहे प्रॉपर्टी कारोबारी राज बहादुर को बदमाशों ने घेर कर गोलियां मारी और जिंदगी छीन कर फरार हो गए। खबर इलाके में फैली तो नींद पुलिस की भी काफुर हो गई। फौरन पुलिस हरकत में आई और पूरे दल बल के साथ मौका वारदात का रुख किया, जहां पूरा परिवार मातम में डूब चुका था। थाना कृष्णानगर क्षेत्र का गांव है सुनहरा अली नगर, यहां पर एक व्यक्ति गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसमें मौके पर पुलिस पहुंची, हम सभी लोग आए और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या गोली मारी गई है सर? ये बाकी चीजें पोस्टमार्टम से क्लियर होंगी क्या रहा है। प्रॉपर्टी कारोबारी राज बहादुर के कत्ल की कड़ी में फोन कॉल डिटेल अहम सुराग है, जिसकी तहकीकात की जाए तो आरोपी छप्पन की भूमिका का राज खुलेगा, जिस पर सीधा कत्ल का इल्जाम। Not just a college, but a university. गई या किसी पुरानी अदावत की आग बुझाने के लिए प्रॉपर्टी कारोबारी राज बहादुर को मौत दी गई। मसला ये भी है कि दिन दहाड़े बीच सड़क पर खून बहाया गया, राजधानी लखनऊ की सरजमी लाल हुई। अगर ये हालात राजधानी लखनऊ के हैं तो अंदाजा लगाएं सुबह उत्तर प्रदेश किस आबोहवा में सांस लेने पर मजबूर होगा। रामकिशोर पाल, लखनऊ समाचार प्लस। बहरहाल इनकाउंटर में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे खूनी बर्थडे पार्टी। 17 जून 2015 के शाम राजधानी लखनऊ में एक बर्थडे पार्टी थी, मेजबानी लाजवाब थी तो मेहमान भी काफी तादाद में जुटे थे, लेकिन मेहमानों में शामिल कुछ ऐसे लोग भी शिरकत करने पहुंचे जो नफरत भुनाने की फिराक में थे, और वो घड़ी भी आई जब बर्थडे पार्टी में खूनी खेल का आगाज हुआ जो एक निर्दोष की जिंदगी के साथ खत्म हुआ। छब्बीस साल का विशाल यादव जो बेवजह मौत का निवाला बना, एक के बाद एक बेगुनाह विशाल के जिस्म में चार गोलियां उतार दी गई। टारगेट कोई और था लेकिन शिकार विशाल बना। जी हाँ, राजधानी लखनऊ के थाना चिनहट इलाका कंचनपुर मटियारी इलाके में स्थित राम सिंह यादव के घर बर्थडे पार्टी थी, जिसमें विशाल मेहमान बनकर पहुंचा था, लेकिन विशाल को सरे शाम मौत की नींद सुला दिया गया, जहां विशाल का बड़ा भाई बाबा अनमोल दास भी गया हुआ था जो खुद एक मेन टारगेट था। लेकिन जैसे ही अनहोनी ने दस्तक दी, विशाल के बड़े भाई अनमोल ने मौत को मात देते हुए अपनी जान तो बचाई लेकिन भाई विशाल को बचा नहीं सका। बर्थडे पार्टी में शामिल हुए दुश्मन विमल, उसके भाई कमल और साथी पुच्ची ने 10 राउंड फायरिंग की। कातिलाना इरादे के साथ अनमोल पर गोलियां दागी गई लेकिन अनमोल बाल बाल बचा। लेकिन किस लिए ये खूनी कहानी लिखी गई, सुनिए जरा। भाई को गोली इस तरीके मारी गई, एक समारोह में गए थे बर्थडे राम सिंह यादव के यहाँ, उसके बाद वहाँ पे हमारे ऊपर हमला हुआ सबसे पहले, तो मैं जान बचाया और इसको आवाज़ दिया लेकिन इसके पीछे से ही गोली मारना चालू कर दिया। विमल और उसका भाई कमल और पुच्ची, इन लोगों ने मिल के उसको मार दिया। मैं तो बच गया लेकिन हमला करने में सबसे पहले गिराने के मारने की साजिश हमें ही थी। नई पार्टी में इनवाइट किया गया था, मेरे भाई को इनवाइट किया गया था लेकिन दुश्मनी के चलते हम मैं साथ में गया। क्या किस तरह की रंजिश थी आप लोगों की? ये हमारी पुरानी रंजिश है। जिस अदावत की आग अब से कुछ सालों पहले अनमोल दास और विमल के दरमियान सुलगी थी, वो शांत तो हो गई थी लेकिन तलाश एक मौके की थी जिसकी आहट महसूस करने में अनमोल ने देरी कर दी। बर्थडे पार्टी में शामिल हुए टारगेट अनमोल के जानी दुश्मन बने विमल की आने की भनक थी, या फिर एक साजिश के तहत बर्थडे पार्टी में अनमोल को निमंत्रण दिया गया था, जिसकी भनक सिर्फ और सिर्फ नफरत की आग में झुलस रहे विमल को थी जो हर कीमत पर रंजिश भुनाने की ठान चुका था। ताज्जुब तो इस बात पर हो रहा है कि जब मेजबान राम सिंह यादव को मेहमानों की फहरिस्त में शामिल विमल के आने की खबर थी तो किस लिए खूनी खेल को न्योता दिया गया।
रात में ये सूचना मिली कि एक पार्टी में फायरिंग हो रही है और वो बर्थडे पार्टी चल रही थी मटियारी से आगे देवा रोड पर एक प्लाट में। वहाँ जाकर देखा गया तो उस आदमी को गोली लग गई थी। उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया तो मृत पाया गया। इसके आधार पर थाना चिन्हट में 302 IPC का अपराध पंजीकृत है जिसमें 3 अभियुक्त नामजद हैं, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शुरुआती तफ्तीश से इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि इस खूनी खेल के पीछे कातिल विमल का इंतकाम जुड़ा था, जो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए टारगेट अनमोल का कत्ल करना चाहता था, जहां हत्यारे विमल को नाकामी हाथ लगी। लेकिन अनमोल को भाई विशाल की जिंदगी से अभयदान मिला। चैलेंज अब राजधानी पुलिस के लिए है कि किस तरह से अधूरे खूनी इंतकाम को टाला जाए, जहां एक जिंदगी हलाक हो चुकी है और इंतकाम की आग में सुलग रहे दो जानी दुश्मन आमने सामने हैं। आर के पाल, लखनऊ, समाचार प्लस। खूनी खबर की खौफनाक तस्वीर देवरिया में भी उभरी है तो दहशत में पसर गई। इलाका थाना बरहस था और वारदात ने दस्तक बसपा के पूर्व सांसद के घर पर दी। जिस प्राइवेट गनर को सुरक्षा के लिए रखा गया उसी ने पूर्व सांसद पर बंदूक तानकर एक निर्दोष जिंदगी को खत्म कर दिया। देवरिया के थाना बरहज इलाके में स्थित ये आशियाना बसपा के पूर्व सांसद गोरख प्रसाद जायसवाल का है। ये तस्वीरें भले ही 18 जून 2015 की दरमियानी रात की हों, लेकिन अंधेरी रात के पीछे पुलिस कप्तान की चहलकदमी की वजह बेहद खौफनाक है। वजह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि बसपा के पूर्व सांसद गोरख प्रसाद के घर में कत्ल हुआ है। सही सुना आपने, खून से लथपथ ये नौजवान बसपा के पूर्व सांसद गोरख प्रसाद जायसवाल का 35 साल का ड्राइवर यासीन है, जिसकी गोली मारकर जिंदगी हलाक कर दी गई। और कत्ल करने वाला कोई पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि पूर्व सांसद गोरख प्रसाद जायसवाल का प्राइवेट गनर गौतम सिंह, जिसने शराब के नशे में धुत होकर पूर्व सांसद गोरख प्रसाद की लाइसेंसी राइफल से गोली दागी, ड्राइवर यासीन को मामूली बात पर मौत के घाट उतार दिया। ड्राइवर को उस जबकि ड्राइवर उसको समझाने गया था। आपके ऊपर ताना था राइफल? हमारे ऊपर भी तान दिया, दादाजी मत आइए नहीं तो मार देंगे गोली। तो बोला कि दादाजी आप मत, हम ही जाते हैं। हो गया, मार दिए। खुशकिस्मत निकले पूर्व सांसद गोरख प्रसाद जायसवाल, वरना नशे में धुत प्राइवेट गनर गौतम सिंह ने तो खून बहाने का मन ही बना लिया था। ड्राइवर यासीन को बेवजह शराबी प्राइवेट गनर ने मौत दी, मगर ताज्जुब इस बात पर भी हो रहा है कि जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राइवेट गनर गौतम सिंह ने ली थी उस पर भी बंदूक तान दी, जान से मारने की धमकी दे डाली। अगर बीच बचाव करने आए ड्राइवर यासीन ने नशे की खुमारी में खोए गौतम सिंह को समझाने का प्रयास न किया होता तो कुछ भी हो सकता था। गोली किसी और यानी पूर्व सांसद गोरख प्रसाद की भी जान छीन सकती थी। पूर्व सांसद हैं गोरख जायसवाल जी, उनका प्राइवेट गनर था, सुरक्षा में लगा था उनके साथ। वो कहीं किसी कार्यक्रम से 9 बजे ही लौटे थे और आते ही उसने हंगामा शुरू कर दिया और उनकी राइफल जो उनके पौत्र के नाम पर है उसको लेकर के हवाई फायर करते हुए बाहर निकल गया। उसको समझाने सांसद जी गए और उनके लोग भी गए तो उन पर भी राइफल तान दिया। और इसमें समझाने जो उनका ड्राइवर गया था यासीन, 35 एज है उसको, वो गया था, उसको उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उसको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात की तफ्तीश में जुटी पुलिस के लिए इस केस से जुड़े कई पहलू हैं जिन पर गौर करना बेहद जरूरी है। मसलन, अगर लाइसेंसी राइफल पूर्व सांसद गोरख प्रसाद जायसवाल के पोते के नाम पर है तो बंदूक प्राइवेट गनर के हाथ में कैसे चली गई? दूसरी बात, पूर्व सांसद अगर सरकारी सेवाओं के हकदार नहीं तो भला उनके घर में सरकारी वायरलेस सेट क्यों मिले? पुलिस इस पूरे मामले की शिद्दत से जांच कर रही है, जिससे कत्ल की गुत्थी सुलझा कर कातिल गनर गौतम सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुमकिन की जा सके। घनश्याम मिश्रा, देवरिया, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे वही एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस आहट को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार।